أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس وقت لندن وقت کے مطابق 10 رات کے 10 بج کر 5 منٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان میں 2 بج کر 2 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं और वहां 9 जुलाई 2017 शुरू हो चुकी है और आज इलेक्शन 114 में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इस तरीके साथियों, जैसा मैंने कहा कि लंदन वक्त के मुताबिक तो 8 जुलाई है लेकिन वहां पे 9 जुलाई शुरू हो चुकी है। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, तहरीक के साथियों, यूथ, एपीएम सोल, लेबर डिवीजन, शुभ खवातीन, ओवरसीज में रहने वाले साथियों और दुनिया के जिस जिस कोने में भी गैरतमंद मुहाजिर मां और मुहाजिर बाप का बेटा या बेटी नौजवान रहता है और उसे महाजनों पर होने वाले 70 साल पाकिस्तान के कयाम के बाद से लेकर आज तक जो मजालिम होते रहे उसकी तमाम तफसीलात याद है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं और ये पैगाम आप दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए। लेकिन ये पैगाम मैं खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो पीआईबी टोले के साथ एमएनएस, एमपीएस और सेक्टरों यूनिटों के चमचे छोटे छोटे उठाईगीर चोर उचक्के वो पीआईबी टोले के साथ चंद लोगों की मराते, चंद फायदे, चंद सिफारिशें कराने, अपनी नौकरियां बचाने, अपने मफादात हासिल करने की गर्ज से अपनी मां बहन बेटियों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर 9 तारीख को तुम लोग घरों से नहीं निकले वोट देने तो तुम्हें अंजाम से 2-4 होना पड़ेगा। पीआईबी टोले के जिम्मेदारों, तुम्हारे लिए तो ये लिख लो, ये अल्ताफ हुसैन कह रहा है, जिसने इस तहरीक की बुनियाद रखी है, रियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म का नजरिया दिया है, महाजन नजरिए का हालक अल्ताफ हुसैन है, जिसने जो वादा किया है पूरा किया है। अल्लाह ताला मुझे इतनी जिंदगी दे, ये 4 दिन की चांदनी के लिए जो छुट भाई है पीआईबी की, जो पीआईबी टोले के जो करता धरता है उनके आगे पीछे जूतियां उठा रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फायदे उठा सके, उनके लिए तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं पीआईबी टोले के जितने जिम्मेदार एमएनएस, एमपीएस, उनका एहतसाब बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हसीना बांग्लादेश की सदर हसीना वाजिद ने गद्दारों के साथ किया था और कर रही है आज भी। और याद रख लेना, लिख लेना कि जिना ग्राउंड में अपने शहदा के यादगार के सामने मैं
और तो इलेक्ट्रिक चेयर्स का इंतजाम करवाऊंगा, या शोदा यादगार के सामने चिनाव ग्राउंड में झंडे लटके होंगे, जहां अदालतों के फैसले जो किए जाएंगे उन फैसलों को के मुताबिक जो माँ बहन बेटियों और साथियों को नौकरियों से निकालने वाला है, धमकियां देने वाला है, तरह तरह की अजियतें दे रहा है, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा, माँ बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहा, एक एक पर खुदा की कसम मुकदमा चलाया जाएगा, चलाया जाएगा अपने सूबे में, अपनी जमीन पर, अपने वतन में। और कानून के मुताबिक, चाहे उसमें एक दिन लगे, एक साल लगे या कई साल लगे, जिस जिसका फैसला होता रहेगा शौदा यादगार पर, रूहें सब जमा होंगी मेरे प्यारे शहीद कारकुनों की, और वो तुम्हें तुम्हारे एक एक जुर्म का हिसाब अपनी रूहें देखेंगी, उनके बच्चे यतीम देखेंगे, उनकी बेवाएं देखेंगी, उनके बहन भाई देखेंगे कि तुम लटके रहोगे। और छुट भाइयों, तुम्हारे लिए देखते हैं क्या फैसला होगा, लेकिन माफी किसी के लिए नहीं होगी, किसी के लिए नहीं होगी, फैसला कानून और आईन के मुताबिक होगा। लिहाजा मैं वार्न कर रहा हूं आज भी छोट भाइयों से, सेक्टर यूनिट और पूरे कराची और पूरे सिंध से, जहां जहां से आए हैं, सुबह ही सुबह अभी उठते ही फूट जाए, वरना हमारे हजारों साथी वो तुम्हारे फोटोज और वीडियोस बना रहे होंगे जहां जहां तुम बदमाशियां कर रहे होंगे। और अगर किसी मेरी माँ बहन बेटी को तुमने हाथ भी लगाया, तो खुदा की कसम इस्लाम की रूह के मुताबिक वहां चिना ग्राउंड में बड़ा कड़ाव बनाया जाएगा, जिसमें तेल उबाल कर जो हाथ लगाएगा वो हाथ उसमें डुबो कर जला के राख कर दिया जाएगा। ये सब कानून, आईन, शरा और बैनुल अक़वामी मुरव्विजा कवानीन के मुताबिक ये सजाएं होंगी। लिहाजा आज भी मौका भी है, भाग जाओ, भाग जाओ, वरना तस्वीर बनाते रहो मेरे खुफिया हाजिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी के साथी, वो अपना काम दिखाते रहे कमरों से, खिड़कियों से, बालकोनियों से, कमरों से फोटो लेते रहे, जूम इन करके जो जो जुल्म करने वाले होंगे उन सबसे अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ हुसैन के जाबाज जानिसार साथी शहीदों और अपनी माँ बहन बेटियों बेटों बच्चियों पर उठाए जाने वाली एक एक जुल्म का हिसाब लेंगे। मौका भी है, भाग जाओ, वरना आज शाम के बाद वो दरवाजा भागने का बंद हो जाएगा, कल हमारा दिन भी आएगा, 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 कान खोल के सुन लो, ऐसा आएगा कि तारीख में कहीं
नहीं आया होगा इंशाअल्लाह। फतह कहाँ आएगा? नस्र मिन अल्लाह व फतह करीब, नस्र मिन अल्लाह व फतह करीब। महाजिर शहीदों तुमको अल्ताफ हुसैन का सलाम, असीर साथियों तुमको अल्ताफ हुसैन का सलाम। जिला बदनी में रहकर रात दिन एक करने वाले साथियों और बहनों बेटियों, बच्चे बच्चियों, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम, जिद्दोजहद करने वालों का सलाम, जेल के सिरों को सलाम, लापता साथियों तुम्हारे लिए दुआएं, तुम्हारे घर वालों को सलाम तहसीन। ऐसे ही दो तुमसे आज अल्ताफ हुसैन फादा करता रहा है, एक मरतबा फिर दोहरा रहा है अपने जानसार साथियों के साथ इंशाल्लाह लश्कर फतह सुन्नत नबी। या अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें भी फतह मक्का की तरह फतह अपनी जद्दोजहद की फतह कामरानी से हमकिनार करके जब हमारा लश्कर दाखिल हो तो हम इनको, जैसा मैंने कल के पैगाम में कहा था, इनको भागने नहीं देंगे, इनको भागने नहीं देंगे। और हमारे में अल्ताफ हुसैन के साथ ही जानसार साथी, माए बहने बेटियां और तहरीक साथी, यूथ, वो सबको हिस्सा दिया जाएगा। कानून और आइन के मुताबिक बदला लो, हिसाब लो गद्दारों से। मत हाथ लगाना मेरी किसी माँ बहन बेटी को, आखिरी बार नहीं है। नारे महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए मेरे गैरतमंद, न बिकने वाले, न झुकने वाले, डटे रहने वाले, रूपोशी की जिंदगी गुजार।